अभी एक बात आ रही है अखबार में, रस्साकसी चल रही है, बहुत धन इकट्ठा है बिहारी जी मंदिर के ट्रस्ट में। उस धन को सरकार तो विकास कार्यों में उसका खर्च करना चाहती कि कॉरिडोर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ट्रस्ट वाले लोग कहते हैं कि हमारी संपत्ति हम अपने ढंग से, क्यों बिहारी जी का मंदिर हमारा अपना निजी मंदिर है, हम उस धन का अपना उपयोग करेंगे, हम न सरकार का पक्ष ले रहे हैं न इनका पक्ष ले रहे हैं। हम एक तीसरी बात कह रहे हैं, ये प्रश्न ही नहीं आता यदि बिहारी जी के मंदिर की विशाल गौशाला होती तो। हम तो कहेंगे आज भी सारे धन को खर्च करके, चाहे जितने करोड़ हो, विशाल भूखंड लेकर के और श्री बांके बिहारी जी के नाम की गौशाला होनी चाहिए, जिसमें बांके बिहारी जी को रोज 56 भोग लगे और भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही व्यवहार हो। देखो बिहारी जी कितने राजी होते हैं। और हम ये बात पक्की कह रहे हैं, मंदिर पर एक रुपए का खर्च नहीं आएगा। आप जो लेते हैं बाजार का घी, पैसे ही से तो लेते हैं आप, यजमान से तो धन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उस धन से गौशाला का संचालन होगा। यदि ऐसा भारतवर्ष के प्रतिष्ठित मंदिर सभी श्रीनाथ द्वारा में ऐसा होने लग जाए, सभी मंदिरों में ऐसा होने लग जाए, तो मंदिरों की गौशालाएं तो चलेंगी, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी मंदिरों में कि वे अनेक अभावग्रस्त गौशालाओं में सेवा भी कर सकेंगे निष्काम भाव से, निर्लोभ भाव से। धन है तो सबकी नजर है। आज अच्छे लोग हैं वो धन आपका नहीं छेड़ना चाहते आपकी बिना इच्छा के। कल के दिन शासन में ऐसे लोग आ गए जो जबरदस्ती विधर्मियों को आपका धन दे देंगे तो क्या करेंगे? तिरुपति बालाजी में बहुत धन आता है और आपको सुनकर बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। व्यक्ति तो भगवान को अर्पित करते हैं और उनकी भावना का फल उनको मिल जाता है, लेकिन वह धन मदरसों में जा रहा है, वह धन चर्चों में जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण वहां हुआ है और आज उनकी संख्या ज्यादा है। ये उड़न्तु बात नहीं है, ठोस बात है। वो सरकार, वो धन सरकार अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों माने उनमें बांटने में और मस्जिद और ये क्या कहते हैं क्या मदरसे, इनमें उस धन का व्यय किया जा रहा है। क्या आपका धन इसलिए है? भगवान तिरुपति बालाजी लक्ष्मीनाथ हैं, इतना धन उनके यहां आता है कि सारे धन का उत्तम उपयोग यदि गो सेवा में किया जाए, भारत सरकार को किसी पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे देवालयों के धन से ही भारतवर्ष के गोवंश की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन इच्छा शक्ति का भाव है, क्या करें? बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख है भैया। भगवान से प्रार्थना करें कि इस देश में गोरक्षा का वातावरण जल्दी निर्मित हो जाए, बहुत आवश्यकता है इसकी। श्री वृंदावन बिहारी माई मेरे श्याम।